सुप्रभात बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग घर पर रहकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोगों को हिंदी सेकंड का पार्ट 7 पढ़ना है, वचन। वचन के बारे में हम पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हमें उसके बारे में विस्तृत पढ़ना है। बच्चों, वचन किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने वाले शब्द रूप ही वचन कहलाते हैं। क्या होता है कि जब जिस चीज से हमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्या पता चलती है, उसी को हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। अब वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें एक चीज के बारे में बात हो रही हो, और बहुवचन यानी कि बहुत सारी चीजों के बारे में बात हो रही हो, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं कि एक तारा है और इधर यहाँ पर क्या है, तारे बने हुए हैं। यहाँ पर एक पतंग बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर कई सारी पतंगे बनी हुई हैं। अब हम देख लेते हैं एक वचन की परिभाषा। शब्द के जिस रूप से उसका एक होने का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। क्या होता है? जब एक होने का बोध हो तो क्या होता है? वो एक वचन होता है। जैसे तारा, पतंग। दूसरा क्या है? बहुवचन। बहुवचन क्या होता है? जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि बहु का अर्थ है बहुत सारे। शब्द के जिस रूप से उसके अनेक होने का बोध होता है, यानी कि एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे तारे, पतंगे। यहाँ पर क्या है? कई सारे तारे हैं और पतंगे भी एक से ज्यादा हैं। अब हमें ये देखना है कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं। जैसे इसके कुछ अलग अलग नियम हैं। छोटा आ से ए करने पर क्या होता है? छोटा आ से ए करने पर, इसका उदाहरण क्या है? जैसे बांह का हो जाएगा, बाहे, बात, बातें, दुकान, दुकाने, पलक, पलके, किताब, किताबें, दीवार, दीवारें। ये सारी चीजें क्या है? आ से ए बना करने पर। दूसरा आता है बड़ा आ से ए बनाकर, जैसे पंखा, पंखे, पौधा, पौधे, कमरा, कमरे, तकिया, तकिए, लड़का, लड़के, पत्ता, पत्ते। इस तरह की जब बात आती है तो क्या होता है? ये आ से ए बनाकर हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। फिर जो हमारा तीसरा नियम है वो है बड़ा आ से ए लगाकर। जैसे रेखा का हो जाएगा रेखाएं, सेना का सेनाएं, कथा का हो जाएगा कथाएं, भाषा का भाषाएं। और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे महिला का महिलाएं, कथा कथाएं, इसमें दिया हुआ है पाठशाला पाठशालाएं। फिर हमारा जो अगला नियम है वो है छोटा ऊ बड़ा ऊ या औ में ए लगा जोड़कर। क्या होता है? जैसे इसी कुछ उदाहरण है, जैसे ऋतु का हो जाएगा ऋतुएं, तराजू तराजुए, बहु बहुए, वस्तु वस्तुएं। लेकिन इसमें कभी कभी एक चीज और होती है कि हमें मात्रा का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कभी कभी मात्रा नहीं बदलती है, ऋतुएं हैं ऋतु है तो ऋतुएं में मात्रा नहीं बदलती, लेकिन बहु में यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा होती है, लेकिन बहुए में छोटा ऊ की मात्रा हो जाती है। तराजू में बड़ा ऊ की मात्रा होती है, लेकिन तराजुए में क्या होता है? छोटा ऊ की मात्रा हो जाती है। फिर बात आती है, अगला नियम है ई या ई में या जोड़कर। क्या होता है? इसका उदाहरण जैसे दिया हुआ है डाली डालियां, रोटी रोटियां। क्या है? हम कर सकते हैं इसका और सारा उदाहरण अगर हम देखें, मिठाई मिठाइयां, छुट्टी छुट्टियां, नीति नीतियां, खिड़की खिड़कियां। ये सारे उदाहरण इसके हैं। फिर हमारा अगला नियम आता है या को या बनाकर। जैसे चिड़िया चिड़िया, गुड़िया गुड़िया। इस तरह के जो शब्द आते हैं, लुटिया लुटिया, चुहिया चुहिया, इस तरह के जो आते हैं, या को या बनाकर बहुवचन बनाया जाता है। फिर हमारा अगला नियम जो आता है वो है संज्ञा शब्द में जन लोग वृंद, ये सारे शब्द लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे नारी नारी वृंद, गुरु गुरुजन, नेता नेतागण, छात्र
छात्रगण। ये सारे थे हमारे नियम जो एक वचन से बहुवचन बनाए जाते हैं। अब कुछ अलग से बातें बताई गई हैं जिसे समझना भी बहुत जरूरी है कि संबंध बताने वाले शब्द दोनों वचनों में प्रायः एक से रहते हैं। जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें संबंध बताया जाता है, उसमें वचन नहीं बदलता। जैसे मामा है तो वो बहुवचन में भी मामा रहेगा, दादा है तो वो बहुवचन में भी दादा रहेगा। मामा, चाचा, दादा, मम्मी, पापा, ये सब क्या होता है, ये बहुवचन बनाने पर इसका रूप नहीं बदलता है। फिर बात आती है वचन के आधार पर सर्वनाम और क्रिया में भी परिवर्तन होता है। जैसे अगर हम कहें चीता भाग रहा है तो क्या हो जाएगा, जब हम उसका बहुवचन बनाएंगे तो चीते भाग रहे हैं, क्या हो जाएगा, रहे हैं, यानी कि क्रिया में भी परिवर्तन हो जाता है। और इसी तरह से वह नाच रहा है, वे नाच रहे हैं। फिर बात आती है जब अपने से बड़े व्यक्ति के लिए या सम्मानित व्यक्ति का प्रयोग होता है तो क्या होता है, तब भी हम बहुवचन में लिखते हैं। जैसे दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, तब क्या होता है में बिंदी लगाई जाती है। अगर हम लिख देंगे तो ये एक वचन है, लेकिन अगर हम इसी को है कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हमारा बहुवचन में आ जाएगा। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि दादाजी बड़े हैं, सम्मानित हैं, इस वजह से हम उनके में है न लिखकर है लिखेंगे, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। फिर इसी तरह से अगला आता है दो व्यक्तियों के आपसी संबंधों को दर्शाने के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे मैं और कमल भाई बहन हैं, ये नहीं कहेंगे मैं और कमल भाई बहन है नहीं होगा, बल्कि बिंदी लगाकर है बोलेंगे, मैं और कमल भाई बहन हैं बताया जाता है, ये क्या हो गया, ये भी बहुवचन है। फिर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे पृथ्वी, दूध, घी, ये सब क्या है, हमेशा एक वचन रहता है। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव बहुवचन ही रहते हैं, जैसे आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, ये सारे शब्द हमेशा बहुवचन ही रहते हैं। बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ वचन अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसके प्रश्न उत्तर और अभ्यास अपने बुक और कॉपी में अच्छी राइटिंग में करेंगे।